सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रिंसकर ड्राइविंग स्कूल। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ क्लच ब्रेक विथ स्पीड। स्पीड के साथ में क्लच ब्रेक कैसे कंट्रोल किया जाता है और कितनी स्पीड में कैसे ब्रेक लगाना है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। टर्निंग ब्रेकर्स में किस तरीके से ब्रेक लगाते हैं, हम क्लच को कंट्रोल कैसे करते हैं, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के साथ में, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आप देख रहे हैं तीन इंस्ट्रूमेंट से नीचे क्लच ब्रेक एक्सलेटर। ये होता है क्लच, लेफ्ट वाले पैर से ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट वाला पैर हमेशा क्लच के लिए पे होता है, क्लच से ऑपरेट करते हैं। और बीच वाला ब्रेक में हमेशा राइट वाले पैर से ब्रेक को और राइट वाले पैर से एक्सलेटर, जब ब्रेक लगता है ब्रेक लगाते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो अपन को एक्सलेटर वाला पैर मूव करके छोड़ के ब्रेक पे पैर लाया जाता है। लेकिन ब्रेक भी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे अपना स्लो स्पीड में चल रहे हैं 20 30, ऐसे 10 की 20 स्पीड 30 स्पीड चलते हैं, तो हमेशा पहले क्लच दबता है, उसके बाद ब्रेक लगता है। या और सपोज कि अपन 60 100 में चल रहे हैं, 100 से 100 की स्पीड में चल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक से छोड़ के पहले ब्रेक लगता है। जब 40 तक स्पीड वापस आती है, 40 के नीचे, उसके बाद ब्रेक दब के फिर ब्रेक लगता है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जब गाड़ी 100 की स्पीड से होती है, मैंने अभी बताया आपको, तो सबसे पहले ब्रेक लगेगा कहाँ तक, 40 तक। जब 40 स्पीड डाउन हो जाएगी ना, 40 के बाद फिर क्लच दबेगा। अगर डायरेक्ट, अगर 40 के नीचे अगर क्लच नहीं दबाएंगे, तो गाड़ी का जो स्पीड लेवल होता है ना, अपन गियर भी कम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद गाड़ी बहुत तेज वाइब्रेशन करेगी, हो सकता है वो स्पीड अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो बंद हो सकती है। तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसको प्रैक्टिकल करके। तो ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के लिए भी पहले क्लच को प्रेस करना बहुत जरूरी। मैंने एक क्लच प्रेस किया है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने ये देखो फर्स्ट गियर लगाया है। फर्स्ट गियर में क्या होता है, क्लच को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे चलते हैं। क्लच भी दो तरीके से मूव किया जाता है। ये मैंने क्लच को छोड़ा हाफ क्लच बाइंडिंग क्लच पे, धीरे धीरे गाड़ी मूव करने लगी। अब ये भी देखना है, अगर गाड़ी चढ़ाई में या कभी ब्रेकर्स में या किसी गड्ढे में होगी तो एक्सीलेटर के साथ करेंगे। फिर मैंने स्पीड बढ़ाया, देखो 20 पर 20 तक मैंने ये वापस सेकंड गियर लगाया, 20 पे सेकंड गियर लगता है। और ये मैंने देखो अंकल आंटी लोग खड़े, मैंने साइड राइट लिया, अरे मूव किया मैंने, फिर मैंने ये लेफ्ट इंडिकेटर दिया ऊपर का, ये मैंने लेफ्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिल्स एरिया टाइप का देखी है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके थोड़ा सा क्लच दबा था, लेकिन ठीक है, ये एक्सीलेटर लिया मैंने। अब मैं ये मूव कर रहा हूँ, अब ये मैं देखो 30 तक पहुंच गया, 40 तक ये मैं थर्ड लगा लिया, 30 तक थर्ड है। पहला गियर होता है जीरो, नल 20 जीरो का, जब गाड़ी बढ़ने का काम आता है, पहला गियर 20 में पहुंचने का, सेकंड 30 में पहुंचने का, थर्ड 40 तक आप फोर्थ लगा सकते हैं आराम से, गाड़ी ऑटोमेटिक आप फोर्थ कर सकती है इतना स्पीड। अब देखिए मेरे को क्या स्पीड है 40, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लच पहले दबाया मैंने ये, उसके बाद ये मैंने ब्रेक लगाया, तो गाड़ी ये स्लो हुई। अब इसके साथ में एक ही चीज और करना है कि गाड़ी को गियर को भी कम करना है। ये मैंने सेकंड गियर लिया क्योंकि मुझे लेफ्ट तरफ जाना है, ये मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट तरफ, इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर भी देना बहुत जरूरी है। ये मैंने मूव किया, अब यहाँ थोड़ा सा खाली रोड है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर देके 30 तक लेकर मैंने थर्ड गियर लगा लिया। अब यहाँ पे भीड़ भाड़ भी है देखिएगा, तो भीड़ भाड़ के अकॉर्डिंग अपन को मैनेज करना है किस तरीके से। ये मैंने सेकंड ले लिया वापस, क्लच ब्रेक से स्लो भी किया मैंने गाड़ी को, ये स्लो किया और मैंने धीरे मूव करूँ कि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है और स्लम एरिया है थोड़ा सा, मैंने बहुत धीरे सेकंड गियर में 20 पे स्पीड है, 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकती यहाँ पे, हो सकता है स्लो भी हो जाए, रुक भी जाए, रुकने के बाद हमेशा गाड़ी कभी भी स्टॉप होती है तो फर्स्ट गियर ये आया बंदा, बहुत बढ़िया भाई। फिर मैंने देखो फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी का रुक गई थी, फिर मैंने ये सेकंड गियर ले लिया फिर से स्पीड। सेकंड गियर लगाने का ही प्रोसेस होता है कि स्पीड बढ़ाया 20 तक, 20 के बाद क्लच दबा के वापस सेकंड गियर ले लिया। ये मैंने निकाला, थोड़ा स्लम एरिया था, यहाँ पे स्लो चलाना जरूरी है क्योंकि कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है ना। फिर मैंने स्पीड बढ़ाया कहाँ तक, ये 30 तक, फिर मैंने थर्ड गियर लगाया। थर्ड गियर लगाने का बताया था प्रोसेस मैंने आपको, क्लच दबा के फिर स्पीड बढ़ाया, स्पीड छोड़कर फिर क्लच दबाया, ये फोर्थ गियर, ये 40 में चल रही भाई, देखो अफोर्ड कर रही आराम से गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी आराम से चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ये भी ध्यान देना है कि गाड़ी अपनी लाइन पे ही हो रहे तो बेटर होगा, उस लाइन पे जाओगे ना गाड़ी हिट हो सकती है, साइड से देख सकते हैं अपन,
इससे अच्छा बेटर है अपनी लाइन पे रहें तो ज्यादा सही है। वेट करके चलोगे ना तो हमेशा सेफ रहोगे गाड़ी को लेकर। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो हो सकता है दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है, अपन को भी नुकसान, अपनी गाड़ी में भी चोट आ सकती है, दिक्कत सबको होती है। इसलिए बेस्ट है कि आप वेट करके गाड़ी को चलो, ज्यादा बेटर होता है। ये मूव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, देखो सामने लेफ्ट तरफ भी है मूवमेंट, राइट तरफ भी है। तो यहाँ पहले मैंने क्लच ब्रेक स्लो किया, मैंने ये मैंने वापस ये सेकंड गियर ले लिया और ये मूव रही गाड़ी धीरे धीरे। अब बगल बगल देखना भी है, इस तरफ भी कोई आ तो नहीं रहा है, उस तरफ तो भाई आ रहा था। इस तरीके से अपन गाड़ी को मूव कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अभी गाड़ी भी आगे निकल गई, ओवरटेक करके साइड से भी गाड़ी आ रही है, मेरे को साइड मांग रही है, बट मैं साइड दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साइड नहीं है। देख सकते हैं आप, मेरे पास साइड नहीं है ज़्यादा, मैं रोड के किनारे नीचे उतार नहीं सकते, खंभे में कहीं भी टकरा सकती है गाड़ी, लोग बग भी चल रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट है मैं अपनी लाइन पर चलते रहूँगा, अगर उसको टाइम मिलेगा, उसको जगह मिलेगी, वो निकाल लेगा ऑटोमेटिक। ये देखो गाड़ी के पीछे मैंने सेकंड गियर ले लिया, अब धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी साथ में तेज़ चला ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और सामने वाली गाड़ी के से इतना दूर रखो अपनी गाड़ी को, उसका नंबर प्लेट टायर देखते रहना चाहिए। या पहले हॉर्न मजा होगा, साइड देता है बंदा तो ठीक है, वरना मूव कर सकते हैं अपन, ओवरटेक कर सकते। ओवरटेक भी किस तरीके से करना है, सामने वाले को देख के। अब मुझे लेफ्ट जाना है तो मैंने इंडिकेटर दिया, क्लच ब्रेक से मैंने गाड़ी को स्लो किया, वापस सेकंड गियर, तो पहले सही था तो सेकंड गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ से मूव कर रहा हूँ, बिना इंडिकेटर के कोई भी टर्निंग नहीं करना है आपको, लेकिन साइड मिरर से भी देखना होता है टर्निंग के अकॉर्डिंग। अब टर्निंग करते हैं, अब राइट तरफ टर्निंग करना है, इस तरफ से बाइक आ रही है, वो निकल गई देखो, ठीक है। और क्लच ब्रेक में मेरा पैर है, यहाँ पे डाउन स्लोप है, देख रखते हैं डाउन स्लोप है, तो मेरा क्लच ब्रेक में पैर है कंटिन्यू, देख। यहाँ पे एक्सीलेटर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मैं मूव किया, अब मैं एक्सीलेटर दे सकता हूँ। फिर मैंने थर्ड गियर लगाया, अब यहाँ पे अपन फोर्थ गियर लगाने लायक जगह नहीं है, अभी ये कॉलोनी की रोड है, जाहिर सी बात है कोई भी एक सेकंड में निकल सकता है। तो बेस्ट अपन 30 की स्पीड से चल रहे हैं, 30-40 की, 40 से नीचे डाउन रहेगी, 40 पहुँचेगी तो फोर्थ लगाना जरूरी हो जाएगा। ये थर्ड की स्पीड में आराम से ऑटोमेटिक जा रहा है, लेकिन ये ध्यान देना, ये कॉलोनी का जो कोई भी रोड होता है कॉलोनी के, तो क्या होता है कोई भी आ सकता है सामने से, तो ये ध्यान देना कि बहुत हॉर्न भी बजाना है, बिना हॉर्न के बिल्कुल मूव नहीं करना। अब देखो यहाँ से भी कोई आ सकता है, अपन हॉर्न बजाया तो सामने वाले को दिख गया कि हाँ गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही होगी, हॉर्न से समझ में आता है काफ़ी। अब देखो ये बंदा आया, आया अपने गाड़ी स्लोप किया, और भाई उसने बीच में ही रोक लिया, तो मैंने भी स्टॉप किया, फिर मैंने फर्स्ट लगाया, फिर धीरे धीरे मैंने क्लच को छोड़ते हुए मूव किया गाड़ी को, फिर ये सेकंड गियर ले लिया। प्रोसेस सारी पता है आपको, सेकंड गियर की क्या प्रोसेस होती है। ये मैंने थोड़ा सा लेफ्ट लिया, सीधा किया, ये चल दिया। अब मुझे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, पहले हॉर्न बजाऊंगा, सपोज ये लोग हटते तो बेस्ट है, वरना मैं सेकंड गियर तो ऑलरेडी चल रहा हूँ, ठीक है। हटे लोग बाग, कुछ हटे, कुछ रुके हुए हैं। मैंने लेफ्ट के देखा, ये मैंने मूव किया, ओ भाई वो स्टैंड मार रहा है, वो बिल्ली मार रहा है भाई, ऐसे लोग भी होते हैं देखो भाई लोग बाग। ये मैंने मूव किया, ये सीधा कर लिया। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर कोई भी चीज़ें हैं आपको डाउट हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी, इंस्टा आईडी भी है, हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं यहाँ पे अब स्टॉप करने वाला हूँ कार को, देखिए किस तरीके से, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइड किया गाड़ी को, अब मैंने ये टोटल क्लच लगाया और धीरे धीरे ये मैंने साइड से ब्रेक लगा लिया, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, ये गाड़ी स्टॉप हो गई।